बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट नंबर 2 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है पार्ट नंबर 3 की। क्या कर रहे थे हम? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। लेकिन हम देखते थे कि जब पावर हाईएस्ट आ जाती है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, देन हम उसको जाकर सॉल्व करते। अब इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है कि क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हमें इसे इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए जरा देखते हैं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह होगी। तो 5x की पावर 1/2 प्लस 7 उस साइड पे, इस साइड पे ले आए तो -7x रेज़ टू पावर 1/4 और -2 उस साइड पे आके +2 हो गया, तो इक्वल टू अगर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 0। हम प्रीवियस अगर आप लोगों ने लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो बेस अटेंड किया करें, लाजमी पहला क्वेश्चन जो है ना उसका लाजमी अटेंड किया करें। हम क्या कर रहे थे कि जो छोटी पावर थी उसको हम y के इक्वल करते थे और जो बड़ी पावर थी हम उसको y स्क्वायर के इक्वल करते थे और हम चेक भी करते थे क्या ऐसा होता भी है कि नहीं होता। तवज्जो दीजिएगा, मैं लेट कर लेता हूँ कि x की पावर जो 1/4 है, अगर मैं इसको यहाँ पे y रखूँ और अगर मैं यहां पे ले लूं दोनों का स्क्वायर इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पावर 1/4 की जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये आएगा 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो x की पावर 1/2 आ गई इज इक्वल टू y स्क्वायर। इट मींस दैट कि x रेज टू पावर 1/4 जो है वो हमारा y के इक्वल है और x रेज टू पावर 1/2 जो है हमारा वो y स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इसी तरह लेट करेंगे कि x रेज टू पावर हमारे पास जो 1/2 है वो y स्क्वायर के इक्वल आ गया और x रेज टू पावर 1/4 जो है ये y के इक्वल आ गया। आप वैसे भी देख सकते हैं कि 1/4 स्मॉलर होता है और 1/2 क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब जरा देखिएगा, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 5 का 5, x रेज टू पावर 1/2 को मैंने इक्वल किया y स्क्वायर के तो उसकी जगह y स्क्वायर आ गया, -7 का 7, x रेज टू पावर 1/4 को हमने इक्वल किया y के उसकी जगह y आ गया, ये +2 का +2 इज इक्वल टू 0। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, 5y स्क्वायर -7y +2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पे कर लेते हैं 5y स्क्वायर -7y +2 इज इक्वल टू 0। जी 2 5s are 10, ऐसे दो डिजिट ढूंढें, जरब दें तो जमा का 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10 आ जाए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 7 आ जाए। ध्यान दीजिएगा एक रूल है, जब भी दरमियान वाली वैल्यू माइनस में हो, पिछले दो क्वेश्चन से मैं ये बात बता रहा हूं, जब भी दरमियान वाली वैल्यू माइनस में हो एंड वाली वैल्यू प्लस में हो दोनों पेयर माइनस के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनना होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो कौन से पेयर होंगे जी? पेयर आपके ये होंगे माइनस का 5 और माइनस का 2, इनको जरा ऐड करें क्या बन जाएगा, -7, तो -7 भी आ रहा है, इनको जरा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10, तो प्लस का 10 भी आ जाएगा, 2 नहीं 2 5s are 10, प्लस का 10 आ जाएगा। तो दरमियान वाला जो वेरिएबल है ये दोनों पेयर के साथ लगेगा, ये आपके पेयर्स आ गए। स्टार्ट वाला एज इट इज आएगा 5y स्क्वायर, लास्ट वाला भी वैसे ही आएगा +2 इज इक्वल टू 0, जो आपके पेयर आए हैं वो आप पुट कर दें -5y और -2y, तो ये आ गया जी -5y और -2y। 5 का टेबल दोनों में जा रहा है, y दोनों में कॉमन है तो 5y कॉमन ले लें into y बच गया, 5y का टेबल 5y पे 1 टाइम, -2 कॉमन ले रहे into y, माइनस कॉमन अगला साइन चेंज, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम इज इक्वल टू 0, 5y को मिला -2 से तो ये आ गया कि 5y -2 और ब्रैकेट में क्या चीज कॉमन है हमारे पास, y -1 इज इक्वल टू 0, सो 5y -2 ये भी 0 के इक्वल हो गया और y -1 ये भी 0 के इक्वल, 5y है -2 उस साइड पे जाके +2 हो गया, y की वैल्यू फाइंड करनी है 2 यहां पे है तो 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस वन साइड पे जाके प्लस वन हो गया तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा, एक y की वैल्यू आई है हमारे पास 2/5 और एक y की वैल्यू आई है हमारे पास 1, अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, हमारे पास आंसर y के आई है, क्वेश्चन हमें x की टर्म में दिया हुआ था और जो चीज हमने सब्स्टिट्यूट की थी अब वही चीज दोबारा पुट कर देंगे। y, व्हाट इज y, किसको y के इक्वल किया था हमने, x रेज़ टू पावर 1/4 को हमने y के इक्वल किया था, तो जहां जहां y है सबकी जगह क्या पुट कर दें, x रेज़ टू पावर 1/4 y की जगह आ गया, 2/5 एज इट इज आ गया, y फिर y आ गया तो x की पावर 1/4
के इक्वल है वाई, तो वाई की जगह एक्स की पावर 1/4 आ गया, 1 एज इट इज आ गया। हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स, इस 4 को खत्म करने के लिए, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड, इसके लिए सेपरेट लिखना पड़ेगा, इसके लिए सेपरेट लिखना पड़ेगा, मैं एक ही बार लिख रहा हूं। एक्स रेज टू पावर 1/4 है, इसकी पावर भी 4 आ गई, इज इक्वल टू 2/5 है, इसकी पावर भी 4 आ गई। नेक्स्ट x की पावर 1/4 है, इसकी पावर भी 4 और 1 है, इसकी पावर भी 4, तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4, 16 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 5 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 5 4 20 मत कर दीजिएगा, 625। x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 4 मीन 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास फ्रेंड्स क्या आ गया, 16/625 और 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 3, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह।